तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ जो मैं अपने खुद शॉप का लगाने जा रहा हूँ। और ये 5000 रुपये का है ये फ़ोन, इन्फिनिक्स का नोट 12 प्रो 5G। तो देखिए इसमें ऐड करके देख लेते हैं कोई कूपन लग रहा है कि नहीं। कूपन तो दोस्तों लग नहीं रहा, लेकिन मुझे कुछ कॉइन मिले हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कंपनी की तरफ से मिलता है। तो अपनी शॉप का एड्रेस चूज़ कर लिया है और ये दोस्तों D- ग्रेड में है और मैं UPI में लगाऊंगा इस ऑर्डर को। दोस्तों D- ग्रेड के जो फ़ोन होते हैं वो ऐसा कभी कभी होता है कि अगर आपने 8-10 फ़ोन मंगाए तो एक आधा फ़ोन सही निकल जाता है। तो जो दूसरे यूट्यूबर है वो वीडियो वगैरह जो डालते हैं, मेरे पास भी मैसेज आता है कि भाई D ग्रेड में और D- में फ़ोन सही आते हैं, ऑर्डर लगा दो। तो ये उन्हें समझाने के लिए है भाइयों को कि देखिए D- ग्रेड में फ़ोन कैसे किस तरीके का आ सकते हैं। तो मैंने अपना UPI ID डाल लिया है और ये ऑर्डर लगाने के बाद अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैं इसके साथ अटैच करके डालूंगा ताकि आपको पता लग पाए कि D- ग्रेड के मोबाइल कैसे आते हैं। D ग्रेड के भी मैं आपको ऑर्डर लगा के दिखाते ही रहता हूँ कि D ग्रेड में भी फ़ोन कैसे आते हैं। तो दोस्तों D- ग्रेड और D ग्रेड में डिस्प्ले का रिस्क होता है, लेकिन D- ग्रेड में 2 फंक्शनल डिफेक्ट भी आ सकते हैं और D ग्रेड में कोई फंक्शनल डिफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए ऑर्डर मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए 214 रुपये पे करने हैं क्योंकि मेरे वॉलेट में और बाकी के पैसे इसके इसमें पड़े थे, ऑनलाइन ऑर्डर लगाया ये मैंने। तो देखिए ऑर्डर सक्सेसफुली लग चुका है ये, तो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। तो देखिए ऑर्डर लग चुका है ये। तो अगर किसी और भाई को भी ऑर्डर लगवाना हो तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे ऑर्डर लगवा सकते। तो हेलो दोस्तों, रॉयल अनबॉक्सिंग चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम इमरान है, मैं आपका होस्ट हूँ। तो सारी जानकारी मैं सोचता हूँ आपको सारी जानकारी दी जाए, क्योंकि दोस्तों मेरा वो काम नहीं है कि 10 फ़ोन मैंने ऑर्डर लगाए और जो अच्छा फ़ोन निकला, जैसे हमें पता लग जाता है पहले ही फ़ोटो देख के, हमारे पास डिलीवर होने के बाद फ़ोटो आ जाता है इसका कि फ़ोन ऐसा आया है। तो दोस्तों बहुत से यूट्यूबर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो ऐसा करते हैं जैसे 10 फ़ोन मंगाए D ग्रेड D- ग्रेड में या D ग्रेड में और एक आधा फ़ोन कोई सही निकला, तो दोस्तों उसी की वीडियो डाल देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि फ़ोन D ग्रेड में या D- में अच्छे आते हैं। तो यही सब आपको जानकारी और देने के लिए और बताने के लिए मैंने ये D- का फ़ोन ऑर्डर लगाया है। और जैसा कि मेरे पास भी फ़ोटो आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत से भाई मैसेज करते हैं कि भाई D ग्रेड में फ़ोन तो अच्छे निकलते हैं, वीडियो देखिए हमने और भी यूट्यूबर की, D ग्रेड में फ़ोन अच्छे निकलते हैं और D- में अच्छे निकलते हैं, बहुत से बोलते हैं E ग्रेड में। तो दोस्तों दूसरे यूट्यूबर से मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम है लोगों को सही राह दिखाना और बाकी दूसरे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं वो उस चीज़ का मुझे पता नहीं है। तो D- में दोस्तों कैसे फ़ोन निकलते हैं यही मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाई चांस ऐसा होता है कि आपने 10-11 ऑर्डर लगाए तो एक आधा फ़ोन सही निकल जाता है, नहीं तो दोस्तों ज़्यादातर फ़ोनों में प्रॉब्लम ही आती है। और आपका होस्ट होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको सही गाइड करूँ और इसीलिए मैंने ये फ़ोन मंगाया। चलिए ये 5G फ़ोन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। देखिए दोस्तों पास से दिखाता हूँ मैं, ये ऑनलाइन ऑर्डर है, मैंने इसका पे कर रखा है पहले ही, देखिए प्रीपेड है। तो चलिए सीधा इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जो इतने सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, मैं ये नहीं कहता आपको, लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएं कि कंपनी पागल नहीं है कि C ग्रेड में अच्छे फ़ोन दे रही है और D ग्रेड में कोई आपको सही फ़ोन दे दे, क्योंकि इनकी QC रिपोर्ट होती है, जो प्रॉब्लम वाले फ़ोन होते हैं वो D माइनस D ग्रेड और E ग्रेड में डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं सबसे पहले आपको बिल दिखा देता हूँ पास से। ये देखिए बिल, ये 4787 रुपये का है, इन्फिनिक्स, ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है, नोट 12 प्रो 5G 8GB 128GB। और देखिए आप साफ साफ देख पा रहे हैं D- में है, ये फोर्स वाइट कलर में है और ये इसका EMI नंबर है और ये हमारे शॉप का एड्रेस है जो आपको पता ही है, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए नंबर मेरा। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, छोटी जानकारी हो या बड़ी हो, या आपको फ़ोन ऑर्डर लगवाना हो या नहीं भी लगवाना, तो भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम सारी वीडियो, सारे व्हाट्सएप जितने भी आते हैं हम सबका ही रिप्लाई करते हैं दोस्तों, थोड़ा लेट हो जाता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज आए हुए होते हैं तो सबका रिप्लाई नहीं कर पाते।
तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है उससे। दोस्तों आप थोड़ा सब्र करें, सभी का कर रिप्लाई करते हैं हम। और देखिए मैं आपको डी माइनस ग्रेड में फ़ोन दिखाता हूँ। तो दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। और ये सब काम दोस्तों आप ही लोगों को करना है। तो ये देखिए फ़ोन ये डी माइनस ग्रेड में है और देखिए कंडीशन तो बहुत ही लाजवाब है इसकी, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए डी ग्रेड डी माइनस में ये डिस्प्ले इसकी डैमेज है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से डिस्प्ले डैमेज है, ऊपर से डिस्प्ले डैमेज है। तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए गिरा हुआ सेट है, देखिए डेंट वगैरह भी देखिए बहुत ही हार्ड डेंट लगे हुए हैं। और ये डिस्प्ले चेंज है दोस्तों, इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है फ़ोन में। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है, फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है, लेकिन ये LCD इसमें कॉपी डिस्प्ले डली हुई है LCD। और दोस्तों LCD और एमोलेड डिस्प्ले में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। LED जहाँ LED डिस्प्ले में आपको जो है क्लैरिटी वगैरह बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, वीडियो वगैरह देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो वहीं LCD में आपको वो मज़ा नहीं आता उस लेवल पे। तो देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है और देखिए ब्राइटनेस दोस्तों इसकी फुल है, लेकिन आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही लोकल डिस्प्ले डली हुई है। देखिए मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों बहुत से यूट्यूबर ऐसे करते हैं जो 10-11 फ़ोन मंगाते हैं तो उसमें से एक आधा फ़ोन सही निकल जाता है, वो उसी की अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों, सारे के नहीं करते। तो मैं दोस्तों यहाँ पे बैठा हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव भी है वो भी मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको बार 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 चीज बोलता रहता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ उन लोगों का जो यूट्यूबर दूसरे वीडियो बनाते हैं डी माइनस में। दोस्तों यहाँ तक कि ई ग्रेड में भी ऐसा दिखाते हैं कि कितने अच्छे फ़ोन आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो ये देखिए इसमें LCD डिस्प्ले डली हुई है, कॉपी डिस्प्ले डली हुई है इसके अंदर। और देखिए इसमें येल्लो इसमें देखिए टूटे हुए का निशान भी है, देखिए येल्लो येल्लो कलर का। ये देखिए जैसे कि आपको मैं पास से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों ये फ़ोन मेरा 4700 रुपये का आया है, 5G के रेट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जब तक डिस्प्ले ओरिजिनल ना आए तो मुझे तो मज़ा आता नहीं चलाने में। पता नहीं लोग कॉपी डिस्प्ले में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मेरे को तो दोस्तों मज़ा आता नहीं, और ना ही मैं सजेस्ट करता कभी भी कि आप कॉपी डिस्प्ले में चलाएं। तो चलिए माई फ़ोन में जाके देख लेते हैं। देखिए 5G है ये, इन्फिनिक्स नोट 12 5G, और 13 का इसका वर्जन है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 108 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा रियर, और 8GB इसके रैम है, 128GB इसके इंटरनल है। और चलिए एक बार इसका साउंड वगैरह चेक कर लेते हैं दोस्तों। साउंड दोस्तों ठीक है, इसके साउंड ठीक बज रहा है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों कंपनी ये बोलती है कि डी माइनस के जो डिवाइस होते हैं उसकी पॉलिसी है, क्योंकि दोस्तों पॉलिसी मैं तकरीबन 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे सारी पॉलिसी का पता है। तो कंपनी बोलती है कि डिस्प्ले टूटी भी आ सकती है, सही भी आ सकती है, कॉपी भी आ सकती है, ओरिजिनल भी आ सकती है, डैमेज भी आ सकती है पूरी। और रही बात फंक्शनल डिफेक्ट की, तो फंक्शनल डिफेक्ट में आपको दो प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जैसे वाईफाई नॉट वर्किंग, ब्लूटूथ नॉट वर्किंग, या वन सिम नॉट वर्किंग, ऐसा भी हो सकता है वन सिम नॉट वर्किंग, कैमरा वगैरह नॉट वर्किंग। तो चलिए कैमरा ही देख लेते हैं, इसका कैमरा कैसे काम कर रहा है दोस्तों। तो बैक कैमरा तो दोस्तों इसका ठीक है, देखिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक कैमरे में, ओके है बैक कैमरा। फ्रंट कैमरा भी दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए तो फ्रंट कैमरा देखिए धुंधला है इसका दोस्तों, ये देखिए फ्रंट कैमरा ब्लर है। तो एक प्रॉब्लम तो इसमें यही हो गई इंटरनल, और दोस्तों सिम डालने के बाद पता लगेगा दूसरे प्रॉब्लम का। तो अगर हम सिम डाल के आपको चेक कराएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, ये इसमें दो प्रॉब्लम कंपनी बोलती है। तो एक तो आपके सामने आ ही चुकी है, और एक इसमें हो सकता है कि एयर स्पीकर नॉट वर्किंग हो सकता है, या सेंसर नॉट वर्किंग, ज़्यादातर में सेंसर नॉट वर्किंग होता है, या आपका ऐसा हो सकता है कि जो कॉल करने में आपका ये माइक चलता है, माइक नॉट वर्किंग हो सकता है। तो दोस्तों चलिए कैमरा भी मैं आपको चेक करा चुका हूँ, एक बार इसका फिंगरप्रिंट लगा के देख लेते हैं कि फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है कि नहीं। चलिए फिंगरप्रिंट लगा के देख लेते हैं एक बार इसका। तो दोस्तों कंपनी कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं बैठी, आपको भी पता है कि दोस्तों
अगर कंपनी डी और ई ग्रेड में मोबाइल दे रही है तो कुछ कमी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी तभी दे रही है। तो ये देखिए फिंगरप्रिंट तो दोस्तों चल रहा है, वर्किंग में है, फिंगरप्रिंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर। मैं आपको पूरा लगा के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने ये डी माइनस में सिर्फ इसलिए मंगाया वीडियो आपको दिखाने के लिए कि आपको इस चीज़ के लिए आपको मैं जो बता सकूं कि दोस्तों डी माइनस में जो दूसरे यूट्यूबर दिखाते हैं कि फ़ोन अच्छा आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो देखिए फिंगरप्रिंट लग चुका है। तो मैंने ये अपने पैसे दोस्तों आपके लिए वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि इतने का ये बिक जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए मंगाया है कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ डी ग्रेड में फ़ोन कैसा आता है। तो देखिए इसका फिंगरप्रिंट दोस्तों, ये देखिए ठीक काम कर रहा है फिंगरप्रिंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिंगरप्रिंट में। ये देखिए खुल गया, देखिए दोस्तों तो सेट कंडीशन में तो ठीक है, बट डिस्प्ले इसकी कॉपी है, लोकल डली हुई है। और ये जो इसका टूट रहा है दोस्तों गिलास, ये गिलास 400-500 रुपये में दोस्तों चेंज हो जाता है, लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले जो आती है वो एमोलेड में होती है और उसके डिस्प्ले साइज यहाँ तक का होता है। तो इसका गिलास भी नहीं मिलेगा जो चेंज हो जाए। और वैसे भी देखिए डिस्प्ले में येलो येलो निशान है, तो आपको डिस्प्ले ही दूसरी डालनी पड़ेगी। और कम से कम इसका जो इसकी डिस्प्ले है ओरिजिनल वो कम से कम 2,000-2,500 रुपये की मिलेगी। तो दोस्तों आपको वैसे ही 7,500-8,000 रुपये का मिल जाएगा, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी आप अगर सी ग्रेड में देखेंगे तो ये 6,500-7,000 रुपये का ओके कंडीशन में मिल रहा है। तो देखिए कैमरा सेटअप तो वैसे कंडीशन वगैरह वाइज तो ठीक है फ़ोन, कैमरा सेटअप भी देखिए 108 मेगापिक्सल का है और देखने में सेट काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी हैवी भी है। बैटरी भी इसमें मेरे ख्याल से 5,000 या 5,500 mAh की होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें दिखाई चुका हूँ, अब शायद इसमें कुछ रह नहीं गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो बनाने का मेरा मेरा पर्पस आप जान ही गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो आपको शायद पता लग गया होगा कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि डी ग्रेड में और डी माइनस में और ई ग्रेड में मोबाइल आप ना ऑर्डर करें। अगर आपके पास मोबाइल रिपेयर करने की कैपेबिलिटी है और आप मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं तो ही आप डी या डी माइनस या ई ग्रेड में मोबाइल मंगाएं, नहीं तो आप सी सी ग्रेड तक ही सीमित रहे दोस्तों। और मैं ये सभी को बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। तो चलिए बस जो आपको मैं ये जानकारी दे रही थी वो मैं दे चुका हूँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।